उत्तराखंड के देवप्रयाग के ऊपरी क्षेत्र में मंगलवार देर शाम मूसलाधार बारिश के बाद बादल फट गया। बादल फटने से क्षेत्र में गदेरा उफान पर आ गया, जिससे कई भवनों को नुकसान हुआ है। वहीं ITI का भवन भी ध्वस्त हो गया है। थाना प्रभारी देवप्रयाग महिपाल रावत ने बताया कि शाम करीब 5 बजे दशरथ आंचल पर्वत पर बादल फटा, जिससे शांता गदेरा उफान पर आ गया। मलबा आने से देवप्रयाग मुख्य बाजार में भी 10 दुकानों को नुकसान हुआ है। आज 5 बजे के लगभग ऊपर दशरथ डांडा में बादल फटा है, जिस कारण ये जो देवप्रयाग के पास गदेरा था इसमें काफी पानी भर गया है और एक हवा थी, इसमें एक झटका ऐसा आया कि काफी बिल्डिंग है, जो हमारी ITI की बिल्डिंग है या नगर निगम की, ये पूरी जमीन दराज हो गई है। करीब 12-13 दुकानें बैठ चुकी हैं और उसमें जो आसपास के लोग हैं उनका हमें सतर्क कर दिया गया है, पूरा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और उन्हें पता लगा जा रहा है कि इन दुकानों में कोई था तो नहीं। वैसे अनुमान लिया जा रहा है कि लॉकडाउन होने के कारण आज इनमें कोई नहीं था, फिर भी हम लोग पता लगा रहे हैं, लेकिन इससे संपत्ति का और काफ़ी नुकसान हो गया है और अभी रेस्क्यू चल रहा है। हम लोगों का LDRF टीम भी आ रही है मौके पर और रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं संगम बाजार का रास्ता भी बंद हो गया है। जनहानि की अभी कोई सूचना फिलहाल नहीं है। कोरोना कर्फ्यू के कारण इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बंद थी, लेकिन फिर भी टीम रेस्क्यू के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि 3 मई को चमोली जिले के घाट ब्लॉक में बिनसर पहाड़ी की तलहटी में 3 अलग-अलग जगहों पर बादल फटने की घटना से घाट बाजार में भारी तबाही मच गई थी। मलबे में 30 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि 25 दुकानों में मलबा घुसने से लाखों का सामान नष्ट हो गया था। इसके बाद 7 मई को नई टिहरी में जाखड़ी धार ब्लॉक के पिपोला में भी बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ था। कई घरों में मलबा घुस गया, जबकि गांव के करीब 16 लोगों के मकान खतरे की जद में आ गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।